हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ का ट्रायंगल्स चैप्टर, जिसका सबसे ज़्यादा और सबसे टफ चैप्टर का एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू आपके टर्म वन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो सीबीएसई 2021 में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरी तरह से, और ये आप देख लेंगे तो आपका टर्म वन का पेपर जो होगा वो बहुत ईजिली आपको सॉल्व हो जाएगा। तो सो बी केयरफुल होकर के आप ये सारे क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता देते हैं, एक से लेके 15 तक क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं, बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या सर्च कर सकते हैं ट्रायंगल्स एमसीक्यू क्लास 10 फॉर टर्म 1 बाई बाबा मैथ्स वाला या बाई किशन सर, वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। कह रहा है कि फॉर एनी टू सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ दियर साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर मीडियंस, दियर अल्टीट्यूड्स, दियर एंगल बाइसेक्टर, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों याद रख लेना, ऑल ऑफ दिस। अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, याद रखना, अगर तुम्हारे पास दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर होंगे, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो उनके अल्टीट्यूड्स के रेशियो के भी बराबर होते हैं, और उनके मीडियंस के भी रेशियो के बराबर होते हैं, और उनके एंगुलर बाइसेक्टर्स के रेशियो के भी बराबर होते हैं। सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इसे हम लोग प्रूफ भी करते हैं। तो सो ऑल ऑफ दिस द योर आंसर, ऑल ऑफ दिस द योर आंसर। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट उठाते हैं क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 7:9, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। कहानी याद आ गई, कहानी याद आ गई, याद करिए कहानी। कहानी आपको बताए थे कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके एरियाज़ के जो रेशियो होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। मतलब अगर आप ए बी साइड लोगे तो उसका रेशियो लिया जाएगा डी ई के साथ, और उसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप लोगे साइड बी सी, तो आपको अगला लेना होगा बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ, तो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, ई एफ, ये एफ लिखिएगा आप, ई एफ स्क्वायर। ठीक है, ई एफ का होल स्क्वायर। उसी तरह से अगर आप साइड ए सी लोगे तो वो डी एफ के होल स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हें ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियो दिए गए हैं और एरियाज़ के रेशियो पूछ रहे हैं, है ना। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एरियाज़, तो आपको याद रखने का तरीका भी बताए थे कि जो एरियाज़ का रेशियो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एरिया बड़ा होता है, याद करवाए थे ना, एरिया बड़ा होता है तो साइड्स का जो रेशियो होगा उस पर स्क्वायर कर देंगे। और साइड्स का रेशियो अगर निकालना होगा तो हम ऐसे बोलते हैं कि दो ट्रायंगल में साइड्स लेंथ में कम वाइज होगा एरियाज़ के करस्पॉन्डिंग, तो एरियाज़ का जो रेशियो होता है उसमें ले लेते हैं अंडर रूट, याद है ये चीज़। तो अभी आपको साइड का रेशियो दिया है 7:9, तो ये 7:9 का स्क्वायर करोगे तो एरियाज़ का रेशियो आ जाएगा, यानी कि 49:77 और 99:81, यानी कि 49:81। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिप्लेट। बाबू, पाइथागोरियन ट्रिप्लेट का मतलब होता है कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, आपको पता होगा, उस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है। और हाइपोटेनस जो होता है हमारा, आपको मालूम होगा, वो सबसे बड़ी लेंथ होती है, वो सबसे बड़ी लेंथ होती है। तो जो हाइपोटेनस होता है हमारा, वो क्या हो जाता है भाई, वो हो जाता है दो छोटे छोटे लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर। तो बस ये चेक करना है कि इस जैसे पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हो, तो पहला ऑप्शन में सबसे लॉन्गेस्ट कौन माना जाएगा, 7, तो यहाँ पे आप 7 लिख दो, 3 और 5 कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, तो क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर ये हो जाएगा तब तो हम बोलेंगे कि सही है, नहीं तो गलत है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 25 और 9 जोड़ोगे तुम तो आएगा 35, यानी कि 34, ये बराबर नहीं आया। तो ये पहला ऑप्शन पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है ज़रा देखा जाए, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है आपका, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है आपका, वो क्या है, 10। तो हाइपोटेनस को 10 की तरह ट्रीट होगा, आगे इधर 6 मान लो, इधर 8 मान लो, तो क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, देखो चमक रहा है, 6 4 10, 6 3 9 और 10 बराबर आ गया, वाह। यानी कि यही तो ऑप्शन है,
आगे कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कैन बी फाउंड यूजिंग व्हिच थ्योरम। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कैन बी फाउंड यूजिंग व्हिच थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, और लास्ट ऑप्शन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखिए एक्चुअल में क्या क्या रहा है। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने एक डायगोनल बना लिया है, आप देख रहे हैं इसे डायगोनल कहेंगे और रेक्टेंगल है क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री आमने सामने का लेंथ बराबर। तो जरा बताओ आप कि इस डायगोनल के लेंथ को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, किस थ्योरी से निकाल सकते हैं। सोच के देखो, ये हमारा डायगोनल है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो पाइथागोरस लगेगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा और ये हाइपोटेनस की काम करेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। तो भैया हम इसे निकाल सकेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ठीक है ना। तो द लेंथ ऑफ डायगोनल कैन बी फाउंड यूजिंग व्हिच थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है ज़रा देखा जाए। कह रहा है कि इन ABC इज़ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल और राइट एंगल एट सी, दो बातें हैं, ट्रेंगल आइसोसेलेस भी है और साथ साथ राइट एंगल भी है, राइट एंगल भी है। अब देखो यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं, ABC है ना, और सॉरी राइट एंगल कहाँ है, सी पे, तो थोड़ा सा हमको चेंज करना होगा। इसे आप ए मान लो, इसे सी मान लो, इसे भी मान लो, क्योंकि राइट एंगल जो बोला है उन्होंने वो सी पे बोला है, ठीक है ना। राइट एंगल एट सी, देन क्या सही होगा। तो एक बात बताओ आप कि AC का लेंथ और CB का लेंथ तो बराबर होगा क्योंकि उन्होंने आइसोसेलेस और साथ में राइट एंगल बोला है। तो आप फार्मूला लगा लो ना, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर क्या, P² + B², तो H का काम करेगा AB, तो यानी कि AB का स्क्वायर कर लो आप, फिर AC का स्क्वायर कर लो आप, और प्लस BC का स्क्वायर कर लो आप। तो आप जानते हो ना कि AC और BC बराबर है, यानी कि AC² + AC² भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है, यानी कि 2AC² AB² बराबर। या फिर कोई बच्चा बोल सकता है कि सर हम AC की जगह पे BC लिख देते हैं, तो BC² भी वो लिख सकता है यहाँ पे। तो अगर BC² + BC² लिखेगा, यानी कि उसका हो जाएगा 2BC², यानी कि AB² का वैल्यू जो है वो या तो 2AC² के बराबर होगा या फिर 2BC² के बराबर होगा। ऑप्शन चेक करिए, AB² = 2AC², पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिर AC² = 2AB², तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये AB दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, और AB² बराबर लिखे हैं। और आ जाइए तीसरा ऑप्शन, तो ये 4AC² है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, AB² = 2AC². आई होप ये समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 का फिगर यहाँ पे ड्रॉ है, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल गिवन लाइन BD इज़ पैरेलल टू CE, आप ये BD देख रहे हैं, दिस BD इज़ पैरेलल टू दिस CE, तो जैसे ही पैरेलल बोला थेल्स थ्योरम दिमाग में घूमना चाहिए। फिर बोल रहा है कि आपका AB का लेंथ 1.5 है, ये आप AB देख रहे हैं, 1.5 दिया A से लेके B तक, ये आपका A है, ये आपका B है। फिर बोल रहा है कि BC का लेंथ, यानी B से लेके C तक 6 सेंटीमीटर है, और A से D तक, यानी कि A से D तक यहाँ है 2 सेंटीमीटर, तो फाइंड DE, इस लेंथ को हमें निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग ये जानते हैं थेल्स थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से डायरेक्ट जैसा रेशियो आपको हम बताए थे ट्रायंगल में, कि अगर आपका मान लीजिए ये ABC ट्रायंगल है और ये DE ट्रायंगल है, तो जो निकालना है उसी की तरफ से सोचो। अगर तुम्हें AC निकालना है तो तुम EC के डिवाइड में लिखो AB, जो निकालना है वही लिखो पहले, इसी की तरफ से लिखे तो EC डिवाइडेड बाई तुमने AE लिखा, तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग इधर कौन होगा, DB होगा, तो तुम DB लिखोगे इधर, और डिवाइडेड बाई में नीचे क्या लिखे थे, तो AE लिखे थे, यानी A से E तक, तो A से D लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही कुछ थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे कि जैसा लेफ्ट साइड वैसा ही राइट साइड, ठीक है। तो जो निकालना है उसी के तरफ से सोचना शुरू करो। देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है DE, निकालना है ना, तो DE के तरफ से ही सोचो, डायरेक्ट लिखो DE। बस ये समझना कि ये वाला साइड अगर इसके पैरेलल है तो रेशियो इधर से इस पॉइंट से ही बनेगा, तो DE अपॉन क्या लिख दो तुम, AD लिख दो, तो इधर क्या लिख दोगे, DE का करस्पॉन्डिंग इधर होगा ना BC, तो BC के डिवाइड में क्या आएगा, नीचे AD है, तो AD का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, AB होगा, AB हो गया। अब DE तो निकालना है, उसको ऐसे ही रहने देंगे, और AD का लंबाई हमें दिया गया है A से लेके D तक कितना, 2, और इधर देखो ये तो 2 हो गया तुम्हारा। फिर BC का लंबाई हमें दिया है कितना, 6, और AB का लंबाई दिया 1.5, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करिए, तो DE बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 × 10 लिख सकते हैं पहले, तो क्योंकि ये 10 1.5 है तो 15 लिखेंगे,
और इनटू में दो और लिखेंगे, ये वाला दो हमारा आरचेस में जाएगा, तो डिवाइड में तो इनटू में चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसको काट सकते हो, तो काटो, तीन से काटो, तीन पाँच पंद्रह हुआ है ना, तीन पाँच पंद्रह हुआ और ये तीन दुना के छः हुआ, फिर पाँच दुना के दस हुआ, यानी कि सब दो 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 बचा हुआ है, तो दो दुना चार, चार दुना के आठ, दो दुना के चार और चार दुना के आठ, यानी कि जो डी ई का लंबाई होगा वो आठ होगा। वैसे भी 1.5 का चार गुना छः होता है, तो दो का चार गुना आठ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 का फिगर ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि चेक द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग ट्रेंगल, रिलेशन बताइए इसमें, और ऑप्शन दिया है सिमिलर बाई साइड एंगल साइड, सिमिलर बाई एंगल एंगल एंगल, सिमिलर बाई साइड साइड साइड, और सिमिलर बाई एंगल साइड एंगल। ये चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। किस थ्योरी से हम इसे सिमिलर कह सकते हैं, तो देखा जाए, एक ये है हमारा 58 डिग्री जो इस 58 डिग्री से मैच कर रहा है, ये 83 डिग्री है, ये 39 डिग्री मैच नहीं कर रहा है ना, मैच नहीं कर रहा है। तो ये पहले तो ये कंफर्म कर लो सिमिलर है कि नहीं। तो कुछ लोग को लग रहा होगा कि सिमिलर कहाँ है, दो एगो एंगल बराबर ही नहीं है, और दो एंगल कम से कम बराबर होना चाहिए तब एंगल एंगल सिमिलरिटी लगता है, तो वो गलत है। बिकॉज ऑफ कि आप तीसरा एंगल तो निकाल लो, तीसरा एंगल निकालते ही तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। तीसरा एंगल क्या होता है, 180 डिग्री में से हमको घटाना पड़ेगा इसका जोड़, तो इसका जोड़ क्या होगा, तो 8 और 3 11, किनारे किनारे जोड़ रहे हैं, 8 3 11 हुआ, और 8 5 13 और 1 14, यानी कि है ना 141 डिग्री। तो 141 डिग्री घटाओ, 10 में से 1 गया 9, और ये हो गया तुम्हारा कितना, 7 में से 4 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, 39 डिग्री। तो इसका मतलब ये डिग्री कितना आया, 39 डिग्री। अब देखो ये 58 मैच किया था, ये 39 मैच कर गया, अब तीसरा भी मैच करेगा कैसे, 180 में से घटाओ, 180 में से क्या घटाओगे, इन दोनों का सम, तो 9 8 17 और 5 3 8 1 9, 97 घटाओ, 10 में से 7 गया 3 है ना, और ये हो गया कितना 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 83 डिग्री, तो ऊपर हो गया फिर 83 डिग्री। तो तीनों एंगल के बराबर हो गया, तो एंगल 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 सिमिलैरिटी से ट्रेंगल सिमिलर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, इसका फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है ना, और ऑप्शन यहाँ पे हम बगल में दिए हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा यहाँ है, नाइदर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23 कह क्या रहा है, पहले इसको समझो, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, तो चेहरा टिक किया जाए, एल एम और बी सी पैरेलल हैं आपस में, उसको टिक किया जाए, कौन सा कलर लिया जाए, ये ले लिया जाता है, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है कि एल एम, दिस एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने इसके पैरेलल बोला है तो थेल्स थ्योरम इसमें लग जाएगा, साथ ही साथ इन्होंने और क्या बोला है कि बी सी एंड एल एन इज़ ऑल्सो पैरेलल, सॉरी एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी, तो ये आपका एल एन है, ये जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये भी थेल्स थ्योरम यहाँ लगेगा। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सही है, पहला दूसरा बूथ वन एंड टू, तो ज़रा देखा जाए क्या है। तो ज़रा सोचो कि ए एम का रेशियो किसके साथ लिया जा रहा है, ए बी के साथ, तो तुम ज़रा बताओ कि अगर तुम ए एम का रेशियो ए बी के साथ लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए एम का रेशियो ए बी के साथ लोगे, तो ये साइड जो था वो इसके पैरेलल था, तो यानी कि ए एल का रेशियो तुम ए सी के साथ लोगे, थेल्स थ्योरम से ए एल अपॉन ए सी लोगे, तो क्या ये बराबर है। तो बहुत बच्चा बोलेगा नहीं सर तो ये तो बराबर नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर हम गलत लिखे हैं, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो ये आपका ए एम था, ये आपका ए एम था, तो ए एम बटे ए बी और ए एल अपन ए सी के बराबर नहीं है, लेकिन तुम गलत हो। कैसे गलत हो, तो नेक्स्ट फिगर में हम बना के दिखाते हैं कि होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो इस वाले इधर वाले ट्रेंगल में अगर देखो फ्रेश फिगर ले लेते हैं हम, देखो ये तुम्हारा फिगर है, तो ज़रा सोचो कि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, समझ रहे हो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यानी कि तुम एक साइड से क्या लिख सकते हो, तो ए एम अपॉन अगर तुम ए बी लिखते हो तो इधर तुम ए एम अपॉन ए बी को इधर के तरफ से ए एल अपॉन ए सी लिख दोगे, क्योंकि ए बी सबसे बड़ा नीचे था, तो इधर ए सी लिखोगे थेल्स थ्योरम से, ये पैरेलल है। तो और एक नीचे के तरफ से देखो, नीचे वाले ट्रेंगल में देखो क्या लिख सकते हो, तुम ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी लिखोगे, अगर फिर से लिख देते हैं हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, अगर तुम ए डी, सॉरी ए डी नहीं बल्कि ए एन, पहले ए एन लिखो
और फिर AD लिखो, तो उसको किसके बराबर लिख सकते हो, AN को AD के अगर बराबर लिखे हो तो इधर AL अपॉन AC, तो AL अपॉन AC फ़ायदा क्या होगा ना कि ये AL अपॉन AC और AL अपॉन AC मैच कर जाएगा, तो इसे भी मैच करना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर ए में तो यही है, ऑप्शन नंबर ए में तो देखो AM अपॉन AB और AN अपॉन AD, देखो AM अपॉन AB AN अपॉन AD है ना पहला ऑप्शन, तो ये तो ट्रू है। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन पे, दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि ML अपॉन BC, ML ये ML है आपका और ये BC आपका, ML अपॉन BC जो होगा वो AL अपॉन AC के बराबर होगा, AL अपॉन AC के बराबर होगा, ये भी ट्रू है। अब ये कैसे भाई, तो ज़रा समझिएगा इस चीज़। देखिए भैया अगर जैसे ही इन्होंने बोला कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, हुआ ना, ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर हुआ और ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर हुआ, यानी कि छोटा वाला ट्रेंगल बड़े वाला ट्रेंगल के सिमिलर हो गया, यानी कि ए एम एल इज सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी। और जैसे ही सिमिलर हुआ तो ए एम का रेशियो आप किसके साथ लोगे, इधर ए बी के साथ लोगे ना, पहला दूसरा के रेशियो के बराबर। फिर एम एल का रेशियो अगर लोगे तो इधर रेशियो किसका लोगे, बी सी का, तो यही तो पूछ रहा था, ये तो आ रहा है ना। और तीसरा अगर ए सी लेते हो तुम तो इधर तुमको ए सी नहीं लेना पड़ेगा, सॉरी इधर ए एल था, ये ए एल था, ये ए एल था, ये एल था और ये ए सी आएगा। तो हमको तो केवल इतना बराबर आने से मतलब है, ऑप्शन नंबर पहला में तो यही है, ए एम एल अपॉन बी सी है ना, एक्चुअली ए एल अपॉन ए सी है, तो आर एस बाद में दिया है, तो ए एल ये देखो ए एल अपॉन ए सी दिख रहा है और एम एल अपॉन बी सी दिख रहा है, यानी कि ये और ये मैच कर रहा है तो बराबर आ रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन करोगे, बोथ वन एंड टू, और डी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि अगर पहला दूसरा सही है तो बोथ वन एंड टू ट्रू होगा ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 24 पे, 24 क्या कह रहा है जरा देखा जाए, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्लेस अ पोल वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, अ गाई वायर ऑफ लेंथ 26 मीटर इज अटैच्ड टू इट एट अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पोल। पोल धरती के ऊपर कैसा होता है, वर्टिकली होता है ना, इतना तो पता ही होगा, इतना तो पता ही होगा। चलो यहाँ पे सेट कर देते हैं, ये पोल हो गया मान के चलो, और कह रहा है कि द प्लेस ऑफ अ पोल वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, अ गाई वायर ऑफ लेंथ 26 मीटर इज अटैच्ड टू इट है ना एट अ पॉइंट 10 मीटर अवे, करेक्ट, टू प्लेस ऑफ अ पोल वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, अ गाई वायर ऑफ लेंथ 26 मीटर अटैच टू अ इट एट अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, ये फुट है हमारा, इस फुट से कितना मीटर दूर, 10 मीटर दूर, ठीक है 10 मीटर दूर। एक क्या किया गया, तार बांधा गया इस पोल को रखने के लिए, ठीक है ना, इस पोल को इस तार से बांध दिया गया, ऐसे समझ सकते हो आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये तुम्हारा तार है, वायर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पोल, पोल की लंबाई कितनी होगी, तो पोल का लंबाई आप h मान लो या कुछ भी मान लो, परपेंडिकुलर है ना तो p मान लो, और ये 10 मीटर है, और वायर का लेंथ क्या है, 26 मीटर, वायर का लेंथ कितना है, 26 मीटर बोला है, वायर ऑफ लेंथ 26 मीटर इज अटैच टू इट फ्रॉम द 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, क्लियर है। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री है, तो यानी कि p निकालना है, तो p स्क्वायर क्या क्या ऐसे वैल्यू निकालते हैं हम लोग, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से हम 10 स्क्वायर घटा देंगे, तो ये 26 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576 होता है, 24 का 400 है ना, 576 होता है और 24 का होता है 476, नहीं 24 का कर लो 24 का स्क्वायर क्या होता है, आपको एक ट्रिक बताया था ना, 4×16 और 2×4 04 और 4×8 8×16 तो ये 6×6=4×15, 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, यानी 26 का हो जाता है 676, 6 का भी देख लिया जाए तो 6×36 को 6 हाथ में लगा, 3 6×12=24 और 3×27 और हाथ में लगा कितना, 2×2=4, 4×2=6, 676 होता है, ठीक है ना, ये 676 और माइनस का 100, यानी कि 676 में से 100 घटाओगे तो 76 बचेगा 500, और उसका ले लोगे अंडर रूट तो आ जाएगा पी, तो अभी हम लोग 576 किसका स्क्वायर रूट था, 24 का, तो परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा, यानी कि वायर का जो पोल का जो लेंथ है वो 24 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ये क्या कह रहा है देखा जाए, इन्होंने कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल इफ़ द स्क्वायर ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड
इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन इट इज़ द राइट एंगल ट्रेंगल दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। भैया अगर एक ट्रेंगल में आपका जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर जो है वो अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ही तो बोलते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम ही तो बोलते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 25 नंबर हो गया। अब देखो 25 नंबर तक इसमें रहने देते हैं, जो 26 से लेकर एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। और इसी तरह से हम लोग आगे का भी वीडियोस आपको बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलता रहे टर्म वन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।